नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा उम्मीद कर रहे थे ठीक वैसा ही हमें एग्जाम देखने के लिए मिला है। यूपी पुलिस एग्जाम का आज ये 23 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर है, तो हमने और हमारी टीम के द्वारा एक एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से अवलोकन किया गया है और फटाफट से बहुत जल्दी से बहुत ही कम समय में एक एक क्वेश्चन के हम आंसर को देखते हैं। डिटेल को किसी और दिन, किसी वास्तविक समय के बाद किसी और दिन देखेंगे, ठीक है। आज का देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हिंदी के प्रश्न, एक एक करके हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर लगाते हैं। देखिए पहला सवाल था इसमें, किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, तो इसके लिए पहला वाला ऑप्शन होगा क्या होगा, अनन्य। दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। शब्द है आपका धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। इसके लिए पहला वाला ऑप्शन होगा आका, आकू, आक और का। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए पहला वाला उत्तर बनेगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन जो करने के लिए कह रहा है, इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, इसके लिए यह आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। देखिए सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होंगे शब्द वो कौन से होंगे, वर्षा और जनता। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा है, बहुत ही फेमस आत्मकथा है ये उनकी, और ये उनका जो है पहला पहला जो है उनका ये भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो प्रथम विजेता कौन थे इसमें, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। देश प्रेम में कौन सा समास है, देखिए देश प्रेम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुबान पर लगाम ना होना इसका मतलब क्या है, जुबान पर लगाम ना होने का मतलब क्या है, सर्वत अपनी बागता दिखाना, यानी हर समय अपनी ही बात को बड़ा चढ़ाकर कहते रहना। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक जो है वो ये एक गद्यांश दे रखा है और इसके पर आधारित जो है आपको प्रश्न और उनके उत्तर देखने हैं। पहला प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि, देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, इस पहला वाला ऑप्शन बनेगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। दूसरा है इसमें, हमारी विज्ञानार्थक शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, इसमें ऑप्शन आ रहा है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए ऑप्शन तीसरा वाला है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। हम इस समय इन सारे प्रश्नों को एनालिसिस के साथ साथ बहुत ही कम समय में हल कर रहे हैं, तो केवल हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्न आपको सही मिलेगा जो आपकी रियल में वास्तव में आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो आयोग की तरफ से आपको आंसर की देखने को मिलेगी, वहां पर आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न के उत्तर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक मानव विकास के सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भौतिक परिवेश पूर्णतः अपरिवर्तित हो गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं आ रहा है इसमें, देखिए ये वाला ऑप्शन चौथा वाला, ओढ़ना। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल। अनावर्त शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है, जो फिर जो कभी ना दोहराया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनावर्त। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो देखिए पुल्लिंग कौन सा शब्द हो जाएगा, क्षेत्र। बाकी सारे शब्द कैसे हैं, वो पुल्लिंग नहीं है। आगे दे रखा है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा है, यानी इसमें संभावना बताई गई है कि वो आई हो, तो कौन सा है, संभाव्य वर्तमान। आगे क्वेश्चन नंबर 19, असोच और असोच शब्द का सही युग्म का सही विकल्प कौन सा है,
बिना सोच के और अशुद्धि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आग लगने पर कुआं खोदना संकट के समय बचाव के लिए सोचना, क्या होगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शब्दों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शब्दों के शुद्ध रूप का चयन किया तो किस कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें? भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा होगा? देखिए विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ये वाला। अगला सवाल है इसमें, अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन सी, यह स्थान बहुत सुंदर अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है दुर्लभ उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मैंने आम खा लिया, कैसा है? आसन्न भूतकाल। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, समास यानी संक्षिप्त करना है उसको। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीज ही, परोए मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? देखिए यहां पर कौन सा रस आएगा? भयानक रस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखिए शब्दालंकार कौन सा नहीं है? रूपक। कौन कौन से ऑप्शन थे? श्लेष, अनुप्रास, यमक और रूपक। आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? रूपक। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है, देखिए राजा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा? नरेंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? यहां पर पूछा है नहीं है, क्या है? नहीं है। तो नहीं किसका लिए होगा? गूंगा, चुप और विवश, यानी इसके लिए होगा ए, यानी शांत। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? शांत। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आप भला तो जग भला। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं उसमें उत्तर क्या होगा आपका? क्षीर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा वर्ण दंते नहीं है? देखिए दंते कौन सा है, कौन सा वर्ण दंते नहीं है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? टा, यानी फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में वयोबद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ये ऑप्शन सी, वह प्लस वृद्ध। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो बता दें आपको 2019 का साहित्य का अकादमी पुरस्कार यह है नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया था, ऑप्शन ए पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या बोलते हैं? सुपाठ्य। जो आराम से पढ़ा जा सके उसको क्या बोला जाता है? सुपाठ्य। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? देखिए भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? देखिए एक एक क्वेश्चन पर हमारी टीम ने बहुत ही रिसर्च किया है, इसलिए 100% नहीं तो 99.99% आप इसके आंसर को आप एकदम सही मान सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको किसी भी क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 40 है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था 2024 तक? राजनाथ सिंह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एकदम से बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन और अधिकतर सभी एग्जाम में पूछा गया और सभी को इसका आंसर पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? इसका उत्तर है पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसके लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चित्रकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है? चित्रकारी के लिए फेमस है लखनऊ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसके लिए पहला वाला ऑप्शन है ये समुद्री जल का CO2 का अवशोषण करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसका अवशोषण करना, इसका मेन जो है प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीक्स नामक सुविधा दी गई है? तो इसका नाम है स्नैपचैट, बहुत ही फेमस ऐप है, इस पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को स्ट्रीक्स नामक की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहां पर थी? क्योंकि पल्लवों की राजधानी कहां पर थी? कांचीपुरम में थी। एकदम सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जो नॉर्मल हर एग्जाम में आते हो, और 90% क्वेश्चन आपको यहां से वो मिलने हैं जो हमने कहीं ना कहीं क्लास में इनके बारे में डिस्कस कर रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSC क्या करता है? यह विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSD के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? GSD का ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन, ये बिल्कुल हुबहू वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में बता रखा था। देखिए इसका कौन सा आंसर है, अमिताभ बच्चन को चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा देखिए कौन सा है, 6 फीट लाइन, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व होना चाहिए, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कॉलेटर लेटर किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लिए है नाथियल हार्थोन। नेक्स्ट है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अफ्रीका के आर पार पहले व्यक्ति थे दौड़ लगाने वाले, रस कुक। क्वेश्चन एकदम से बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का आया है, आपने अगर पढ़ाई अच्छे से कर रखी है तो यहां से मोस्टली आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके लिए है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? 1985 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था महिलाओं के लिए? क्वेश्चन नंबर 58 है, यहां पर पूछा गया है, रिक्त स्थान है, अनुसंधान वित्तीय उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, किस चीज में सहायता करती है, गुणात्मक अनुसंधान विधियां। नेक्स्ट प्रश्न है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है उसके लिए काम करते हैं, इसके लिए क्या काम करते हैं, स्पीयर फिशिंग, क्या काम करते हैं ये, ऑप्शन चौथा वाला। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है, कब घोषित की गई थी, जुलाई 2000 में। क्वेश्चन नंबर 62 यहां पर वर्ष पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह है इसके लिए आंसर 2006। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल में भी बताया था प्रियांशु सर ने यहां पर, भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा गौतम बुद्ध नगर किसके अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है, दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसमें सिंह क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है, ऑप्शन बी जागरेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए इसके लिए क्या होगा आंसर, पहला वाला, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे वो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग चार, ऑप्शन पहला वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। क्या पुस्तक है? ए लाइफ मिस स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 73, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? ये सारे वही प्रश्न है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण के रूप में पॉइंट आउट कराए थे। क्या है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव। रमन सुब्बाराव जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से जुड़े हुए थे? देखिए रमन सुब्बाराव किस खेल से जुड़े हुए थे, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रोफिकेशन है? किस प्रकार का है? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा जल प्रदूषण, त्वरित यूट्रोफिकेशन। अब यहां से मैथ के प्रश्न आपके चालू हो जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है, 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो इसके लिए देखिए हम यहां पर इनका सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सीधे सीधे इनका आंसर बता रहे हैं कि क्या आंसर आएगा, 2522 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 15% वर्ष की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज, 73,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 10,950। अगला क्वेश्चन, 475 रुपए अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट बनती है? तो देखिए कितनी छूट बनेगी, 71 रुपए 25 पैसे की। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% की बिक्री कर लगाता है, यदि ग्राहक बिक्री पर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना आएगा? देखिए अंकित मूल्य यहां पर जो आएगा वो 35,000 रुपए आएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत सटीक और बहुत सही जानकारी वाला है, आप यहां पर नो डाउट, कोई आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, एक एक प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक्स और 1/x का औसत m है तो एक्स स्क्वायर और 1/x² का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, 2m² - 1। नेक्स्ट प्रश्न, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 82, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के फलस्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैंने खुद कराया होगा, चावल का नया मूल्य और पुराना मूल्य कितना है, इसमें क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य, चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न में महत्तम समापवर्तक पूछा है, इसके लिए आंसर क्या है, 0.05। सबसे छोटी संख्या 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या जाएगा, 507। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे सवाल भी आपको बताए थे कि आप देखना पुरानी वीडियो में जाकर, और बताए थे कि ऐसा किसी एक प्रैक्टिस सेट पेपर में आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा और मिला भी है। क्वेश्चन नंबर 85 के लिए क्या आंसर बनेगा, 25%। कौन सा प्रश्न, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि कितनी हो रही है यहां पर, 25%। नेक्स्ट प्रश्न,
क्या है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतनी संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसमें हानि हो रही है कितने की, 1 सही 19/81% की। नेक्स्ट है प्रश्न, दो प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करके उसके लिए दो प्रकार के चावलों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें आंसर क्या आएगा, 2:3। नेक्स्ट प्रश्न है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। बहुत बार ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कराया था, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितने कराए थे, 2 गुने 3 गुने 4 गुने वाले। आंसर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित क्रम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या थी। तो देखिए अतिरिक्त श्रमिक कितने की जरूरत पड़ेगी, 100 की। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो हमने कराए हैं जहां पर वो मैथ्स में, खासतौर से मैथ की बात कर रहे हैं, जहां पर संख्या भी चेंज नहीं आई है, हूबहू वही संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करें तो वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 60 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां किसी क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशाओं में चलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय कितना आंसर है इसका, 6.7 सेकंड। निखिल और रितु की आज 2:1 के अनुपात में है, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए, दोनों की मासिक आय कितनी आ जाएगी, 28,000 और 14,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त होता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आएगा, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 22%। क्वेश्चन नंबर 95, ये एक सीरीज दे रखी है 4, 7, 13, 21, 34, इसका आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन सी। यहां पर घन को गिनने के लिए कहा गया है, टोटल घनों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा टोटल घन कितने हो जाएंगे, 24। नेक्स्ट क्वेषन में है, पूछा गया है कि विषम को चुनिए, तो देखिए विषम को चुनने के लिए इसमें जो कौन सा वाला विषम है, ऑप्शन बी। बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं है, बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं है, एकदम मीडियम पेपर है, जिस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है उसके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए जो है उत्तर बनना है, क्या पूछा है, दर्पण में देखने पर एक्स वाई पर रखकर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, गोताखोर का संबंध किससे बन जाएगा, पनडुब्बी से। क्वेश्चन नंबर 100, एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए एक समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, कैसा होगा, परवलयाकार होगा। यदि सीएटी को कोड को डीबीयू और डीओजी का कोड क्या होगा, देखिए इसके लिए क्या आंसर है, ईपीएच, ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन तो लेटेस्ट अभी कल ही कराया था, यहां पर क्या पूछेगा, टोटल त्रिभुजों की संख्या, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महिलाओं माताओं और माता पिता के बीच का संबंध क्या है। देखिए अब यहां पर ये डाउट वाला क्वेश्चन है तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखिए महिला, माता और माता पिता, यानी महिला क्या है, माता किस में आएंगी, महिलाओं में आएंगी, माता किस में आएंगी, माता पिता में आएंगी, यानी माता जो है वो तीनों में आ रही है, तो इसके लिए कौन सा वाला उत्तर बनना आएगा,
ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्या है, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, मोजे किसमें पैर में, मोजे पैर में पहने जाते हैं। 104 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन वाला है, इसमें क्या बी का ई से किस प्रकार संबंध बन रहा है, बी का ई से क्या संबंध बन रहा है, तो बी का ई से क्या संबंध बन रहा है, मां का संबंध बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 यह क्या पूछा गया है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहां पर इसके लिए उत्तर क्या जाएगा, 26। अनीस का इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, इसके लिए आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी मां। डिफरेंट वाला ऑप्शन देखना है कौन सा है, देखिए तो ये हो जाएगा ये संख्याओं का जो है ये क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, चार लोग अलग अलग फल चुनते हैं, सेब केला चेरी और खजूर, जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में न हो, ये देखिए इसका सवाल है, पजल का सवाल है, तो इसके लिए क्या आंसर जो हमने निकाला है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110 के लिए क्या आंसर है, यदि आपके पास एक नियमित विषफलक है और इसे एक ऐसे समतल पिन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटता है, तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा, पेंटागन ऑप्शन ए पंचभुज। क्वेश्चन नंबर 111 के लिए क्या आंसर बनेगा, ये वाली इमेज। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या उत्तर आ रहा है, कोड के अनुसार 0, 1, 2, 3, 4 को क्रम से एबीसीडी द्वारा दर्शाया जाता है, इसके लिए क्या उत्तर बनेगा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 में एक श्रृंखला दे रखी है 3, 6, 18, 72 और 360, इसके बाद क्या आएगा, 2160। क्वेश्चन नंबर 114, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह शुरुआती बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 115, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर जो आएगा वो 399। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में एस सी आर ए डबल बी एल ई को ये कोड दे रखा है, पूछा है एस टी यू डबल एन ई डी, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ये दूसरा वाला 19, 20, 21, 14, 14, 54। क्वेश्चन नंबर 117 कथन और निष्कर्ष का है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, देखिए इसके लिए निष्कर्ष जो है वो ऑप्शन बी है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकृति से अलग है, देखिए कौन सी आकृति अलग होगी, त्रिकोण रेखा, चलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर लगा रहे हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा वह मेरी बहन की मां के इकलौती बेटी की बेटी है, इसके लिए उत्तर क्या आएगा, बुआ। क्वेश्चन नंबर 120, अलग अक्षर चुनना है, अगला अक्षर चुनना है, पी का जो संबंध क्यू से है, टी का वो संबंध किससे होगा, टी का वो संबंध होगा यू से। क्वेश्चन नंबर 121, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में हो जाएंगे, उत्तर पूर्व दिशा में, यदि आप शुरुआत से पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिण मुड़ते हैं तो आपका मुंह जो है किसमें हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, ये डाटा का क्वेश्चन है पूरा, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, 140 विद्यार्थियों वाला, इसके लिए उत्तर आएगा 35। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार ब्लाइंड संबंधित है, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्लेट से। क्वेश्चन नंबर 125, साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे है, इत्र से क्या मिलता है, खुशबू मिलती है, गंध मिलती है, दिए गए संयोजकों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजक को कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा,
GW12H। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न में जो बीच में स्थान है उसको भरना है, फिल करना है, तो यहां पर क्या जाएगा 343 से पहले 49। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेनारेख का है, बेनारेख में क्या पूछा गया है, पिछड़े माने जाने वाले व्यक्ति कितने हैं जो शिक्षित नहीं है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 129, ये श्रृंखला का है 25, 36, 49 और ए का स्थान जो है आपसे, ए और बी का स्थान क्या पूछा गया है, ए और बी के स्थान का योग पूछा गया है, तो ए और बी के स्थान का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 164। क्वेश्चन नंबर 130, यहां पर पी बड़ा है क्यू से तो पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब, और पी छोटा है क्यू से तो पी क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर, तो इस वाले प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 720। क्वेश्चन नंबर 132, ये एक सीरीज के रूप में दे रखा है जिसमें संख्याएं भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं और जो है सिंबल भी हैं, तो यहां पर क्या पूछा गया है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है, तो सिर्फ ऐसा एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभू ऊपर से 10वें तथा नीचे से 36वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हो जाएंगे 45। क्वेश्चन नंबर 134, अगली सीरीज का अगला नंबर पूछा है, तो अगला नंबर कौन सा आ जाएगा 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INSECT को JOTFDU और हाउसली को IPVTFGMZ के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो बटरफ्लाई को किसके रूप में व्यक्त किया जाएगा, इसके लिए आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का, KL की पत्नी है, ML की बहन है, NK की बेटी है, OM की माँ है, तो O का K से क्या संबंध होगा, देखिए O का K से क्या संबंध हो जाएगा, सास का। क्वेश्चन नंबर 137, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 95-47-4 को KGFIF लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ रहा है, JDCFE, JDCFE यानी ऑप्शन चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 138, दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, पी वाई के किस दिशा में हो जाएगा, पी वाई के दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित अगली श्रृंखला, अगला जो है अक्षर वो नंबर बताना है, कौन सा उत्तर जाएगा 171। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पाई चार्ट का है, पाई चार्ट के इसमें क्या आंसर निकाला है, 5,892 करोड़ रुपए का जो है वो राशि होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है एबीसी का औसत वाला, क्वेश्चन नंबर 141, इसका आंसर क्या आएगा 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 142, ये सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है, जो बेमेल है, जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, उसको बताना है, तो इसके लिए क्या आंसर होगा 472। क्वेश्चन नंबर 143, यहां पर क्या है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन, बच्चा भी इस क्वेश्चन को हल कर देगा, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी होगी, देखिए लुप्त संख्या कौन सी होगी यहां पर 2160। क्वेश्चन नंबर जो है 145, 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या, इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 146, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपए कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2000 रुपए। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और आया भी है, पहले ही सेट में आ गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये 146, 147। एग्जामिनेशन को ये कहा जाए तो रिटर्न को क्या कहा जाएगा, DIRGGVM, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 148 यानी क्या पूछा है, गलत नंबर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर इस सीरीज में गलत नंबर क्या आ जाएगा, 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध हो जाएगा, लड़की का लड़के से क्या संबंध बनेगा, भाई का संबंध बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया है तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा, उत्तर जो है आपका किस में बदल जाएगा, उत्तर पश्चिम में बदल जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से टोटल हमने जो है बच्चों 150 क्वेश्चन देखे और उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारे प्रश्नों को एक एक करके बहुत आराम से और बहुत ही जल्दी से फटाफट से आप अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। जितने भी एनालिसिस हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हमने जो है इसका ये देखा है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है आप इसके अकॉर्डिंग सही कर पाए होंगे। चलिए ये हमारा जो है आज का यानी 23 अगस्त का पहली शिफ्ट का यानी मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर था उसका सॉल्यूशन हमने किया था। अब से कुछ देर बाद यानी शाम के समय जो है इसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए विराम लेते हैं, धन्यवाद।